से ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा मंदवानी बीजेपी में शामिल हुए हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। राजा मंदवानी कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो कांग्रेस की टिकट पर भी देखिए चुनाव लड़ चुके हैं राजा मंदवानी, बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। बड़ा झटका एक बार फिर से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। इंदौर से बड़ी जानकारी, राजा मंदवानी बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये बड़ी खबर। विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं मंदवानी, तो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। इंदौर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, राजा मंदवानी बीजेपी में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है राजा मंदवानी जो कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अब ऐसे में वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, एक और बड़ा झटका आज देखिए, एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा के चुनाव इस समय चल रहे हैं, हालांकि दो फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब तीसरे फेज का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के खेमे में लगातार कांग्रेसी नेता जा रहे हैं और आपको बताएं कि इससे बड़ा नुकसान कांग्रेस को भी होने वाला है। कहीं ना कहीं एक तरफ तो जमीन अपनी ढूंढती हुई कांग्रेस मध्य प्रदेश में नजर आ रही थी, हालांकि तमाम दौरे हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी का भी दौरा हुआ है मध्य प्रदेश में, प्रियंका गांधी का भी दौरा हुआ है। एक तरफ तो बीजेपी को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं, पूरी 29 की 29 सीटें जीतने की दावा करते हैं, वहीं बीजेपी भी यही दावा करती है, लेकिन बीजेपी का खुनबा बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस देखिए, जो कांग्रेस दावे कर रही है, तमाम जो वादे करती है, अब उसमें दावों और वादों पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस तरीके से कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी 29 की 29 सीटें, और जो बीजेपी का सफाया करने में, जो सुपड़ा साफ करने का जो बयान देती है, क्या इस तरीके से हो पाएगा कि उसके अपने ही खेमे में इस तरीके से मनमुटाव चल रहे हैं, कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं बीजेपी में, हालांकि वो शामिल हो जाएंगे, शाम के वक्त सदस्यता उनको दिलवाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राजा मंदवानी जो कि कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और बड़ा झटका कांग्रेस को उन्होंने दिया है बीजेपी में शामिल होकर। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा, जहां पर राजा मंदवानी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब कांग्रेस इसको किस तरीके से, कितना अलर्ट होती है वो हालांकि देखना होगा, लेकिन जब उस समय इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई थी, उसके बाद ही हमने देखा था कि कांग्रेस के कितने बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे।